हम हैं, ये मेरे फैमिली है और यहाँ पे आज सीक्रेट रिवील होने जा रही है। हाँ दोस्तों, जो के पार्ट आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया तरीका, नया ट्रिक जानने के लिए मिलेगा, स्पेशली नॉन क्रिएटर लोगों को, जिससे आप लोग फेसबुक पेज को 10 गुना ग्रो कर पाओगे और ढेर सारा पैसा कमा पाओगे। जो भी क्रिएटर ऐसा सोचते हो कि इस ट्रिक को मैं भी इंप्लीमेंट करके देखूं, तो आप लोगों के लिए भी मोस्ट वेलकम है, क्योंकि ये ट्रिक क्रिएटर नॉन क्रिएटर दोनों ही इंप्लीमेंट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। रिजल्ट क्या होता है पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर आके मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये ट्रिक क्रिएटर लोगों को काम आया है कि नहीं। मगर नॉन क्रिएटर लोगों के लिए आज का ये वीडियो एक मेडिसिन के जैसा होने वाला है, क्योंकि नॉन क्रिएटर लोगों में ये जो ट्रिक है ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है। हाँ दोस्तों, तो ट्रिक क्या है इसको समझने के लिए वीडियो को बारीकी से आप लोगों को समझना बहुत वाइटल है, तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना। एग्जाम्पल में मूवी का उठाऊंगा, जो भी बंदा मूवी को लेके काम करना चाहते हो फेसबुक पे और अभी कोई भी मूवी डालने पे कॉपीराइट आ जाता है, पेज डिलीट हो जाता है, नहीं तो लिमिटेशन आ जाता है, रेस्ट्रिक्शन आ जाता है और पेज प्रोफाइल दोनों ही गायब हो जाता है। इस चीज को बचते हुए एज ए नॉन क्रिएटर आप लोग कैसे मूवी को डाल के पेज को ग्रो करके ढेर सारा पैसा फेसबुक से लूटोगे, उसी का ट्रिक आज के इस वीडियो पे आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, बिना कि आपको बोर, ट्रिक पे आते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आपका कोई भी पेज आप क्रिएट करते हो और सोचते हो आज के डेट पे उस पर मूवी डाल के पैसा कमाओगे, तो याद रखना उस पेज का कैटेगरी एंटरटेनमेंट, नहीं तो जस्ट फॉर फन में रखना है। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा दोस्तों जो स्टेप है वो है, आपको फेसबुक को यूज करके देखना है कि फेसबुक प्लेटफॉर्म पे कहाँ कहाँ पे मूवी लाइव चलाया जा रहा है। इसका मतलब है मूवी का लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है और उन लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस पे कोई इशू नहीं है, पेज पे रह रहा है और उस लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो पे व्यू कम है। हाँ दोस्तों, याद कर लेना, लिख के रखना जो मैं बता रहा हूं। मूवी लाइव स्ट्रीमिंग जो करके पेज पे अपलोड किया जाता है, जो रह जाता है, वही वीडियोस को आपको सर्च करके देखना है और व्यूज कम है कि नहीं वो भी चेक करना है। जब आपको ये सब मिल जाए, कौन सा मूवी आपको डालना है, जो भी आप लोग देखोगे लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, पेज पे रह रहा है और व्यू कम है, वही मूवी को आपको भी लेना है। क्यों? क्योंकि वो मूवी अगर आप आपके पेज पे डालोगे तो पेज पे लिमिटेशन नहीं आएगा, पेज रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा और सबसे बड़ा मैटर कॉपीराइट का पंगा नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं आएगा। ये ट्रिक को आपको यूज करने के लिए इसी कंटेंट को पकड़ना है। अब हमें मूवी मिल गया फेसबुक से ही, अब आता है नेक्स्ट, क्या मूवी को अपलोड कर दूं? अपलोड नहीं करना है दोस्तों, यहां पे ट्रिक, नहीं तो लॉस कर जाओगे। अपलोड बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको उस मूवी को लाइव स्ट्रीम करना है। अब लाइव स्ट्रीम किससे करोगे? जो मोबाइल यूजर है वो गो स्ट्रीम ऐप से लाइव स्ट्रीम करो, जो आप लोग बाकी लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो, ऑमलेट या फिर ओवीएस, उससे भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि गो स्ट्रीम से ही करना है, लाइव स्ट्रीम करना जरूरी है उस मूवी को अपने पेज पे। दोस्तों यहाँ पे और एक चीज है, पहले क्या होता था, हम लोग शॉर्ट शॉर्ट मूवी क्लिप्स डालते थे, मगर अब लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा आपको 1 से 2 घंटे का मूवी चला देना है, साउथ इंडियन मूवी हो या फिर आप कुछ भी यूज करो, मगर वहां पे कुछ भी मूवी यूज नहीं कर सकते हो। जो मूवी ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग हुआ है, जिस पे व्यू कम है, वो ही मूवी उठाना है, ताकि वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इश्यू ना आए। ये सबसे बड़ा ट्रिक है यहाँ पे। उसके बाद आपको कहीं पे कटकुट नहीं लगाना है, छोटा नहीं करना है, 2 घंटा का मूवी है 2 घंटा का ही लगाओ, जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना ही वायरल फैक्टर ज्यादा होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, वायरल फैक्टर ज्यादा होगा। अब बात करता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग को लेके, वो है
आपके उस पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीम पे आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग डालना है। टाइटल पे दो कीवर्ड रहना चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे दो कीवर्ड रहना चाहिए, और फिर वही कीवर्ड आपके टैग पे भी रहना चाहिए। इन शॉर्ट बोलूँ तो तीनों ही जगह पे वो कीवर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। टाइटल ज़्यादा भरा करके लिखने के लिए नहीं चाहिए, छोटा मोटा ही लिखो, मगर वो कीवर्ड जो मैं बताऊँगा वो रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मिलियंस पे व्यू नहीं आएगा। वो कीवर्ड है फर्स्ट वाला लाइव और सेकंड वाला है लाइव स्ट्रीम। हाँ दोस्तों, ये दो कीवर्ड, दो टैग भी आप कह सकते हो, जो कि टाइटल पे भी होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे भी होना चाहिए, और टैग वाला सेक्शन जो है वहाँ पे भी होना ज़रूरी है, लाइव और लाइव स्ट्रीम। उसके बाद दोस्तों आपने सब कुछ डाल के लाइव स्ट्रीम पे लगा दिया वीडियो को, उसके बाद शुरू होगा एंगेजमेंट का सिलसिला, जो कि आप लोग पहले भी करते थे और आज के डेट पे भी स्टार्टिंग में करना ज़रूरी है। जब आपका पेज पे कोई कंटेंट नहीं है, फर्स्ट कंटेंट डाल रहे हो, सेकंड कंटेंट या थर्ड कंटेंट डाल रहे हो, तो एंगेजमेंट देना है। और एंगेजमेंट कैसे दोगे, जो पहले के ट्रिक है, दूसरे अकाउंट से, जिस अकाउंट से आप आपके पेज पे लिंकअप नहीं हो कहीं से भी, उस अकाउंट से आप शेयर कर दो जहाँ पे अप्रूव होगा, और वहाँ पे आप ज़्यादा शेयर कर सकते हो। याद रखना, आपका अकाउंट जिससे पेज है उससे वो शेयरिंग वाला अकाउंट कहीं से लिंकअप ना हो, कोई फ्रेंड वैन बना के मत रखना, उस अकाउंट से तुरंत आपको एंगेजमेंट देना है। और एंगेजमेंट का मतलब होता है लाइक, जो रिएक्शन, कमेंट जो आप लोग कमेंट करते हो आपके वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तीसरा होता है शेयर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वीडियो को वॉच टाइम दो, थोड़ा सा लाइक करो, थोड़ा कमेंट डालो, और उसके बाद शेयर करना शुरू कर दो उन्हीं अकाउंट में से। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो ट्रिक को मिस कर जाओगे। आपको बहुत ज़्यादा शेयर एक टाइम पर नहीं करना है, पाँच 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 करके शेयर करते जाओ आवर्ली बेसिस पे, नहीं तो दस 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 करके शेयर करते जाओ आवर्ली बेसिस पे। ऐसा आप पाँच अकाउंट से करो, पाँच अकाउंट से अगर आवर्ली बेसिस पे आप करते जाओगे उसी लाइव वीडियोस को, इवन लाइव ख़त्म होने के बाद भी पब्लिश जब होता है तब भी आप शेयर कंटिन्यू कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी अगर आपका वीडियो ने वायरल फैक्टर पकड़ के रिकमेंडेशन पे चला गया तो हो सकता है फेसबुक का एल्गोरिदम आपको ब्लॉक कर दे। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि ये वीडियो का उतना पोटेंशियल नहीं है कि रिकमेंडेशन में उतना ज़्यादा वायरल हो जाए, मगर इतना जल्दी कैसे हो रहा है, तब फेसबुक के एल्गोरिदम को एक स्पैम एक्टिविटी ट्रिगर होता है, वो आपको प्लेटफॉर्म पे नहीं करना है। नहीं करोगे तो आपके वीडियो देखते ही देखते 24 से 48 आवर्स यानी कि दो दिन पकड़ लो, वो मिलियंस पे चला जाएगा। ये ऑलरेडी प्रूफ्ड है नॉन क्रिएटर के द्वारा ही, इसीलिए मैं आज इस वीडियो पे ये ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो भी मूवी डाल के पैसा कमाना चाहता है। यहाँ पे और एक एडिशनल बोनस में कहूँगा कि ये ट्रिक को सिर्फ नॉन क्रिएटर यूज़ मत करो, क्रिएटर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कंटेंट पे ऐसा पोटेंशियल है कि एंगेजमेंट आएगा लाइव करने से, तो आप लोग भी इसी ट्रिक को इम्प्लीमेंट करो। और यहाँ पे जो लाइव और लाइव स्ट्रीम कीवर्ड है, टैग है, उसको यूज़ ज़रूर करना, और फिर मैजिक देखो। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर आके कमेंट ठोक के जाना जो भी आपका रिजल्ट आता है। होप गाइस आज का ये फेसबुक टॉप सीक्रेट आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिस को दबा लेना, ताकि ऐसी वीडियो आने वाले वक्त में सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों, बाय।